समझ में सर सारे के सारे बढ़िया बने होंगे तो हम बना देंगे तुम्हें बढ़िया। जो फाइनली आ चुके हम लोग एक और एक्शन के साथ वापस एंड हियर वी गोना रिएक्ट टू। भाई आज ना सारी दिल की ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ पता है मैं, जैसे सुशांत सर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया और हनी सिंह के ऊपर वीडियो बनाया और फाइनली भाई यामोदर सर के ऊपर वीडियो, मतलब आज सारे हाँ सब सारे फेवरेट है भाई। मैं अलार्म मस्ती नहीं कर रहा हूँ, ये रियल जो गाना ना मेरा अलार्म है, कितनी बार रिएक्शन के बीच में बच जाता है पता है, क्योंकि यू नो जब मैं उठता हूँ ना तो दिन की पॉजिटिविटी एकदम ऐसे सुबह की जो पॉजिटिविटी थी ना पूरे दिन रहती है, तो मैं ये गाना अलार्म लगा के सोता ऐसे करके तो मज़ा आता है। मतलब आज इसलिए मैं ये लेके आया, थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स भी होगा तो मैं मम्मी को समझा दूंगा, उसका टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो ऑल द यंग उदयसर फैंस मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस एंड प्रेस दैट बेल आइकन, लेट्स गेट इन। बहुत ही पॉजिटिव गाना है इसलिए आपको सुना रहा हूं। यमो बैक इन द स्टूडियो, शाउट आउट टू माय बॉय नेस्टी टीसी। This Nasty. One's for all my homies out there. Love. Subtitle niche, huh? Listen. Look. Started this rap shit as a teenager, trying to put shit on my chest just to feel better, not knowing what I would wanna be later. Regardless. He stated that like, this is for all my homies. Haan. Like all my like जो भी मेरे अपने हैं और लव्ड वंस हाँ बेसिकली। और इन्हें वही कहा कि मतलब दिस जो ये भी जो भी सीन चालू किया था मैंने जब मैंने किया था जब मैं टीनेजर था। ओके एंड लाइक ऐसा ही बहुत मतलब बहुत लाइफ एक्सपीरियंस को ब्लेंड करके और बहुत ही प्यारा और बहुत ही मैसेज वाले गाने बनाना प्रेफर करते थे। माय चेस्ट जस्ट टू फील बेटर, नॉट नोइंग व्हाट आई वुड वांट टू बी लेटर, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट बी, वांटेड टू बी ग्रेटर, बीन मोर देन 10 इयर्स एंड आई एम स्टिल राइटिंग, दे से द सिविल वॉर इज ओवर बट आई एम स्टिल देखो ये समझो, hunger if you under same grind you probably feel a brother cause we all are same kind just with different color, सबके अलग अलग कलर्स होते हैं हमारे सबके अलग अलग सेम काइंड जस्ट मतलब तू मेरे को तू खुद को अपना भाई मान अगर तू ग्राइंड में है सेम टू सेम हाँ क्योंकि ले हम सब एक ही बंदे हैं जस्ट विद डिफरेंट कलर्स हाँ यू नो तो मतलब उनने रेसिज्म हटाई दिया यहाँ पे तो बहुत डीप मैसेज होते हैं हाँ राइट 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 चुपके चुपके से हटा देते हैं और ये शूट भी ब्लैक एंड व्हाइट में किया हुआ है, बहुत मतलब डीप डीप मैसेजेस हैं अंदर या फिर उनको पसंद है मेरे ख्याल से ब्लैक एंड व्हाइट कलर हो सकता है। feel a brother cuz we all the same kind just with different color, I'm just trying to do my best till I live life, I mean who in the world wouldn't want to live nice and this is all I got, could never live twice so I better get there and live like I want to live like, so I'm my head working hard for the peas, I say fuck the world only got regards for my G's, got a mind full of words and a heart full of beats and whenever I freestyle I go hard like a beast like when I like do freestyle I go hard like a beast okay. So freestyle is something कि जैसे तुमने रैंडमली कुछ बनाया तो समथिंग वैसा कुछ और मैं बीच की तरफ फिर उसको किल करता तो लाइक प्रॉपर बैटल रैप वाले बंदे हैं ये फुल ऑफ बीट्स एंड व्हेनेवर आई फ्रीस्टाइल आई गो हार्ड लाइक अ बीस्ट यू बेटर नो आई एम द वन अपॉन द कम अप स्लीपलेस नाइट्स जस्ट वर्किंग टू द सन अप ट्राइंग टू मेक दैट लीप एंड दिस इज जस्ट द रन अप वेट टिल आई एम ऑन द स्क्रीन लाइक व्हाट्स अप इट्स यमा स्टार्टेड आउट बैक होम विद अ थर्ड वर्ल्ड ड्रीम नाउ आई एम अप इन दिस कितने सारे सब क्या बोल रहे हो आप भाई नाइट्स जाग जाग के मैंने ये सब किया है ऐसा ही सब हाँ लाइक प्रॉपरली ग्राइंड के ऊपर भी और बहुत सारे सबटल यहाँ पे गलत आ रहे क्योंकि मेरे को लगता है ऑटो जनरेटेड है कोई बात नहीं जो होगा मैं समझा दूंगा मम्मी को टेंशन मत लो बैक होम विद अ थर्ड वर्ल्ड ड्रीम नाउ आई एम अप इन दिस बिच फॉर दैट फर्स्ट वर्ल्ड क्वीन फनी हाउ लाइफ चेंज बिफोर यू नो इट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप कॉम एंड लिव विद अ मोमेंट आई स्ट्रेस बट नेवर शो इट इवन एट माय लो समझे लाइक आई एम जस्ट लिविंग फॉर अ मोमेंट मतलब जो मतलब सब मुश्किलों से दूर जाके मैं जस्ट एक मोमेंट के लिए जी रहा हूँ ये पढ़ना समझे मैं अपनी डीप जितना हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ जो भी स्ट्रेस है वो भी मैं शो नहीं कर रहा हूँ और
I'm trying अंदर से भी lowest in the I'm trying मतलब हाँ मतलब जब मैं lowest होता हूँ अपने पे तभी भी मैं try करता हूँ सबको जीतने का वरो give life a meaning even when times are hopeless stay devoted to my people and never stop if life is a teacher then I've been through a lot let me ask a sign hey रुको नहीं तुम अपना काम करते रहो कितनी भी कोई problems आ रही हैं या कुछ भी हो रहा है कुछ या तो भी समथिंग लाइक दैट हमको टीचर्स यही सिखाती है ना कि आगे नहीं ये टीचर का रेफरेंस अलग है कि लाइफ इज इफ लाइफ इज अ टीचर हां देन मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा इससे ऐसे करके कुछ लेट मी आस्क दिस हां मतलब मैंने बहुत बीन थ्रू मैंने किया है बहुत कुछ बीन थ्रू अ लॉट लेट मी आस्क दिस काम करते रहना चाहिए हां मतलब लाइफ से मैं बहुत कुछ सीख के आया हूं ओके व्हाट यू नो अबाउट पेन व्हाट यू नो अबाउट बीइंग होमलेस सोकिंग इन द रेन व्हाट यू नो अबाउट स्लीपिंग इन द स्नो still got 40 miles to go and you bleeding out your toes and you know it's peak dude when there's 7 billion people out there but nobody to speak to working low wages trying to samjhe ki 7 billion people hai yahan pe then also itni khuddar hai duniya जो बात भी नहीं करते एक दूसरे से हाँ सब अपना अपना देखने में बिजी है बस और लो वेजेस ट्राइंग एक सुनिए मेक द एंड्स मीट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल लो वेजेस ट्राइंग टू मेक द एंड्स मीट समथिंग ने कि जो लो वेजेस पे काम करते हैं पैसे बंदे जो मजदूर टाइप लोग होते हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं दोनों एंड्स मिलाने का मतलब अपना जान लगा के काम कर रहे हैं ओह बढ़िया 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 मैं इसलिए इनके गाने सुनना प्रेफर करता हूँ लाइक बहुत डीप मीनिंग्स ऑफ डबल एंटेंड्रेस होते हैं लाइक मेटाफर्स तो इतने सारे नहीं खेलते बट जो भी होता ना बेस्ट होता पर है क्लोथ्स ब्लीडिंग और ये सब क्या था वो भी बोल रहे हैं कि इतने क्लोथ्स ब्लीडिंग हो रहे हैं तो भी 40 माइल्स अगो मैं स्नो में जाके भी वो कर रहा हूँ हाँ समथिंग वो एक पास स्टोरी हो सकती है समथिंग या फिर वो किसी का रेफरेंस दे रहे हैं पीक पे जाके भी ड्यूड मैं कर रहा हूँ 40 माइल्स टू गो एंड यू ब्लीडिंग आउट योर क्लोथ्स एंड यू नो इट्स पीक ड्यूड व्हेन इट्स 7 बिलियन पीपल आउट देयर बट नॉट मास्ट टू गो एंड यू ब्लीडिंग आउट योर टोज नो बट स्लीपिंग इन द स्नो मैं रेन में भी काम कर रहा नहीं ही इज लाइक कि तुम क्या जानते हो पेन के बारे में ओके हाँ और यहाँ पे उन्होंने किसका रेफरेंस उठाया एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं मालूम पर ही इज समथिंग लाइक कि लोग स्नो में भी सोते हैं लाइक समथिंग लाइक सोल्जर्स लोग होते हैं और वो ब्लीड भी करते हैं स्नो में भी सोते हैं ऐसे लोग और तुम बोल रहे हो कि तुमको पेन है लाइफ में होते ना कभी कभी लोग इंस्टाग्राम पे हैंडीकैप लोगों की फोटो भी चिपकाते हैं समथिंग वो देख के मेरे को भी अजीब लगता है कि मैं ऐसे लोग भी हैं तो भी अपन बोलते कि अपने को दुनिया से बहुत वो मिला है इस चीज का दुख है उनसे ज्यादा ओह कम ऑन मैन यू गॉट 40 माइल्स टू गो एंड यू ब्लीडिंग आउट योर टोज एंड यू नो इट्स पीक ड्यूड व्हेन इट्स 7 बिलियन पीपल आउट देयर बट नोबडी टू स्पीक टू वर्किंग लो वेजेस ट्राइंग टू मेक द एंड्स मीट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल बट द वर्ल्ड फील्स एम्प्टी इट्स अ कोल्ड वर्ल्ड फील्ड विद लस्ट ग्रीड एंड एनवी बट प्लेनी पेनी पीपल वुड किल यू फॉर अ पेनी मतलब आजकल के लोग कैसे पता है पता है बीच में ऐसी बहुत सारी न्यूज आती थी कि हजार हजार लोगों के लिए मर्डर हो जाता था लोगों का तो ही इज लाइक समथिंग कि मतलब प्लेंटी प्लेंटी पीपल प्लेंटी पेटी पीपल वुड किल यू फॉर अ पेनी मतलब एक रुपए के लिए तुमको मार देंगे ऐसे लोग भी है आजकल बहुत बढ़िया But plenty penny people would kill you for a penny Where anytime friendly faces turn unfriendly Just cause they bought a new Chevy or Bentley I could go on and on, but don't tempt me I was kind of broke, so I'm just trying to mend me And I'm steady Something like ki, main kaam reh sakta hun Like, okay. I can go, jitna bhi main ja sakta hun But तुम मुझे वो मत करो टेम्पर मत मेरा जगाओ ऐसे okay. करके हाँ मतलब मैं तुम्हें बहुत शांत दिखता हूँ नहीं और इनके एग्जैक्टली ऐसा रूप है अच्छा. कि इनको जब वैसा रूप चाहिए होता है ना ये खुद ही हो जाता है पर ऐसे प्यारे सॉन्ग्स बना डालते हैं मतलब अरे आमा जैसे सॉन्ग सुने ना आपने इसके हाँ बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया So I'm just trying to mend me and I'm steady on my way to the top The album's coming soon just wait for the drop Got a couple shows so I'm making that drop I'm that one force that you can never stop And I do it for my people Trying to help me trying to get all these homeless kids out the streets And I'm like a footballer cause I love Okay something like वो जो होमलेस किड्स हैं हाँ. उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं आई एम लाइक अ फुटबॉलर बिकॉज सो यहाँ आई थिंक सो ही मतलब डायरेक्टली कंपेयर के ही इज यूजिंग सिमिलीज सो लाइक कि वो कुछ खुद को फुटबॉलर से कंपेयर किया अच्छा. ताकि मैं लॉन्ग जा सकूं कहीं पे और बीट कभी मिस ना करूं तो समथिंग लाइक उनने म्यूजिक और फुटबॉल का एक कंबाइन करके तुमको एक लाइन समझाने की कोशिश की वहां पे लुक आई एम जस्ट रियली थैंकफुल आई एम अलाइव एंड ब्रीदिंग एंड एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई विल नेवर स्टॉप ड्रीमिंग आई बिलीव इसमें एक और चीज बहुत बढ़िया थी कि ये सॉन्ग बहुत पहले आया था ओके हां 2016 से भी पहले शायद आया होगा एंड स्टिल ही इज
यू नो स्पीकिंग लाइक दैट, कि मतलब मैं खुश हूँ और मैं सांस ले रहा हूँ और मैं जिंदा हूँ, उससे मैं बहुत खुश हूँ. और ये चीज अपने को 2020 में रियलाइज हुई. अच्छा. जब कोरोना आया तो तब अपने ऐसा बोलते थे कि सांस लेना बड़ी बात है, पर इन्हें ये चीज 4-5 साल पहले ही बोल दी थी. पहले ही बोल दी थी. समझे भगवान, अरे वो मतलब ये लोग फ्यूचरिस्टिक जी रहे भाई. और बोल रहे स्टॉप नहीं करो ड्रीमिंग, अपना ड्रीम रखते ही रहो, अपना स्टॉप नहीं करो ड्रीम करना. कम ऑन मैन, थैंकफुल आई एम अलाइव एंड ब्रीदिंग एंड एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई विल नेवर स्टॉप ड्रीमिंग. आई बिलीव इन लव, देयर इज नथिंग एल्स आई बिलीव इन, एंड इफ गॉड रियली एग्जिस्ट देन ही मस्ट बी स्लीपिंग, cuz लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन दिस प्लेनेट, इट्स रियली ट्रेजिक समटाइम्स, इट पुट्स मी इन अ पैनिक, माय आईज क्राई बिबर स्मोक. अगर गॉड होगा भी तो वो सो रहा होगा. सो रहा होगा राइट, क्योंकि जो भी धरती पे हो रहा है वो देख नहीं पा रहा, देख ही नहीं पा रहा. हां, और ये पूरी सिचुएशन में यहाँ पैनिक में डाल रही है ये. हाँ, और ये पूरी सिचुएशन मैं ना इधर 2020 से कंपेयर कर सकता हूँ. बढ़िया. Me in a panic, my eyes cry rivers, my heart sinks like Titanic. They say God's with you, but I really don't understand. Sinks like Titanic. डूब जाता है टाइटैनिक जैसे, पूरा डूब रहा है. Oh, this is this and that go happen, but frankly I've had it. Do you really think someone's just gonna come and work his magic, or you gonna wait for it to happen? Just preach and never practice. Have faith in yourself, not a religion, 'cause it's madness. So I'ma do good without jealousy or envy. Try to defeat the Satan and bring out the God in me. And okay, so Satanism. जानते हो Satanism क्या होता है? Satanism is all about, पहले तो मम्मी आप अंदर आओ, मेरे को ना चेहरा दिखाना है आपका लोगों को, क्योंकि ना माइक जैसे कहीं कट ना जावे, है ना, एक्सप्रेशन पता चलना चाहिए ना. तो ही इज लाइक कि Satanism ऐसा एक चीज होती है, ऐसा माना जाता है, अभी होता नहीं, नहीं होता पता नहीं, लोग अपनी सोल बेच देते हैं. हाँ, okay. और उसके बदले में फेम ले लेते हैं, ऐसे करके कुछ होता है. तो ही इज समथिंग लाइक कि आई ट्राइंग टू फीड द Satan एंड ब्रिंग आउट द गॉड इन मी. ओके, तो प्रॉपर मीनिंग इसका मेरे को भी नहीं मालूम पड़ रहा. मैं कुछ ऐसे बिना जाने बोला भी चाहता, क्योंकि Satanism एक बहुत डिफरेंट चीज होती है, यू नो. बट हियर उन्होंने क्या प्रॉपरली रेफर किया वो नहीं मालूम, पर ऐसा टोटली Satan के बारे में मैं तुमको बताया. एंड ब्रिंग आउट द गॉड इन मी, ऐसा होना चाहते कि Satan को खत्म करके मैं रखना चाहता हूं हमेशा. हाँ, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उन्होंने कुछ डबल एंटेंडर जैसा खेला है, तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि मैं पाप भी करता हूँ और मैं पुण्य भी करता हूँ, कि मैं गॉड को भी अपने अंदर से ला रहा हूँ. और इफ देयर इज अ गुड देयर इज अ बैड, तो ही इज ट्राइंग टू फीड द Satan, एंड ऑन द अदर साइड ही इज ट्राइंग टू यू नो गेट द गॉड आउट ऑफ हिम, ऐसा करके शायद से. अगर किसी कुछ और रेफरेंस तुम्हारे दिमाग में आता है, do let me know. Let's go. I defeat the Satan and bring out the God in me, and I really hope you do the same, cause if you think the world is a mess, then it's only you to blame. Hey, God, word में से तो तुम उसका वो हो, तुम्हारी वजह से ऐसा सब कुछ. अच्छा, बहुत ही वर्णन टाइप का वीडियो लगा, बहुत डीप मीनिंग है इस चीज में. हर पूरे गाने में पूरी डीप मीनिंग है, काफी सारी. नहीं, बढ़िया. एक ना अयो बढ़िया था ब्रो. लाइक मैं फर्स्ट टाइम में भी इतना डिकोड नहीं कर पाया हूँ मैं. लाइक थोड़ा बहुत मैंने फील किया था और मेरे को बहुत पसंद आया था फर्स्ट टाइम. मतलब मेरे को समझने में लग गया था कि लाइक कैसे बंदे हैं ये. मतलब फर्स्ट टाइम सुना तो मेरे को एक तो इनकी स्माइल देख के मैं तो आधा तो पिघल गया था. तो मैं थोड़ा मतलब ऐसे देख रहा था, चिल कर रहा था कि क्या चीज है. मैं फर्स्ट गाना शायद सुना था तो वो रियली सुना था मैंने यहाँ बाबूदा सर का. और अब मैं ना लाइक थैंकफुल हूँ ऐसे बंदों को जो आए मेरी लाइफ में और ऐसे ऐसे गाने दिए, तो मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज आया. यू नो मतलब मेरे को नॉलेज थोड़ा बहुत था, बट मेरे को वो चीजें नहीं मिली थी. मतलब क्या पकड़ूं मैं, मतलब ऐसे कुछ सॉन्ग्स होने भी तो चाहिए जिसमें मैं नॉलेज बांटूं. तो ये प्रॉपरली मतलब दिमाग में बैठने वाले सॉन्ग्स थे. एंड बढ़िया यार, नेपॉप में जब से आना ब्रो लाइक मेरे को बहुत चीज़ें मिली है यार. और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें पहुंचे बाहर तक पहुंचे, एंड सबसे पहले मेरे घर तक पहुंचे. तो इसलिए मम्मी को बिठा के कर रहा, समझ रहे ना. दैट्स द मेन थिंग. अगर तुमको पसंद आया यार, हक से सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को. और बस मिलते तुमसे किसी और अच्छे रिएक्शन तक. स्टे सेफ वेरी मच, टेक केयर एंड टाटा. हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और छूतियों की गाना हम पे लेते. गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेब्लेड, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में. स्कूल में ताले तरह बुक थी क्लास में, टिकते ही टिकते हैं गुम हो गए बैचमेट. ओके मेले फ्रॉम द पीपल हु आर फेक, आई एम 11 विद वुमन और अ स्नेक. अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन किया था बेक.